और आइए अब आपको सौरभ मैदान की तस्वीरें दिखाते हैं। अमृतसर में रामलीला का आयोजन करने वाला कांग्रेस का नेता सौरभ मैदान, अब तक उसका कोई पता नहीं है। हादसे वाली रात की ये तस्वीरें सामने आई हैं, हादसे वाली रात से ही वो फरार है। अब उसके हादसे के बाद फरार होने का सीसीटीवी वीडियो ये देखिए, ये सौरभ मैदान आप देख रहे हैं, घर के बाहर आया, एक गाड़ी आती है, एसयूवी कार वहां पर आती है और वो उसमें बैठ करके चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में एसयूवी कार आती है, ये देखिए सौरभ मैदान पहले घर के बाहर खड़ा हुआ है, वो किसी से फोन पर ऐसा लग रहा है कि बात कर रहा है और सौरभ मैदान उसमें उस गाड़ी में बैठ के किस तरह से अब निकल जाएगा। आपको बता दें सौरभ मैदान की जो मां है वो कांग्रेस की पार्षद है। ये देखिए ये सौरभ मैदान को आप देख रहे हैं, सौरभ गाड़ी आती है, गाड़ी में देखिए दरवाजा खोलकर सीधे गाड़ी में बैठकर फरार होता हुआ, ये सौरभ मैदान की आखिरी तस्वीर सामने आई है, फरार होते हुए की तस्वीर है ये। ऐसे फरार हुआ था देखिए सौरभ मैदान, ये जो लाल रंग का एरो आप देख रहे हैं ये सौरभ मैदान ही है जो आगे की तरफ आ रहा है और पीछे से एक गाड़ी आती है, गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो गाड़ी में बैठता है, बहुत आपाधापी में लग रहा है, बहुत जल्दी में ये लग रहा है। मनोज वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, ये आखिरी वीडियो हम सौरभ मैदान का देख रहे हैं, बड़ी आपाधापी में है इस वक्त, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा है कि वो जान चुका था कि उसकी वो आफत में आने वाला है, उस पर ठीकरा फूटने वाला है और इसीलिए वो इस वीडियो में भी जल्दी में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वो भाग रहा है उससे साफ तौर पर ये पता चलता है कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और यही वजह है कि जैसे ही उसको पता चला कि अब शिकंजा उसके ऊपर कस सकता है तो वो अपने घर से फरार होते हुए साफ नजर आ रहा है। अभी तक भी सौरभ मैदान के बारे में कुछ पता नहीं चला है कि आखिरकार कहाँ है, लगातार उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, सौरभ मैदान अभी तक गायब है और क्योंकि वही ऑर्गेनाइजर था, उसी ने ऑर्गेनाइज की थी तो उसे कहीं ना कहीं आभास जरूर हो गया था कि उसकी गलती की वजह से जो इतने लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है, इस वजह से वो अभी तक फरार चल रहा है और लोगों का यही गुस्सा है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, लोग यहाँ पर ट्रैक पर बैठे हुए थे और अभी अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति अभी कंट्रोल में है, लोग यही चाहते हैं कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी जी मनोज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज वर्मा हमें बताते हुए कि सौरभ मैदान अभी भी गायब है और ये हादसे की रात वाला वीडियो है जब सौरभ मैदान भाग रहा था, फरार हो रहा था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।